विशेष संस्थान की ओर से आज जागतिक महिला दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वक्त संस्थान की महिलाओं ने समाज के प्रति विशेष कार्यक्रम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया। इस वक्त ACP डॉक्टर अशोक बागुल विशेष अतिथियों के तौर पर मौजूद थे, जिन्हें संस्था के कार्यों की सराहना की। हर क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं को अहिल्या बाई होलकर पुरस्कार से उत्कृष्ट बहुउद्देशीय संस्थान द्वारा आज सम्मानित किया गया। इस संबंध में संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर कविता परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्कृष्ट संस्था के तत्वाधान महिला दिवस एवं होली मिलन संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ACP डॉक्टर अशोक बागुल और पूर्व महापौर डॉक्टर कल्पना पांडे एवं किरण चंदेल उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रूप में रूति चौबे उपस्थित थी। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च हर साल इंटरनेशनल वर्ल्ड वुमेंस डे करके पूरी दुनिया मनाती है, और हम याद करते हैं महिलाओं के सेक्रीफाइस का, कंट्रीब्यूशन का, उनके कर्तृत्व का इस दिन। वैसे तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि वुमेन इज़ द मोस्ट वंडरफुल क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट, शेयरली बिकॉज शी इज़ प्लेइंग मल्टी डायमेंशनल रोल साइमल्टेनियसली। शायद इतना हर मर्द को पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम तहे दिल से सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। और आज जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्र में जिन महिलाओं ने अपना झंडा अपने कर्तृत्व से गाड़ा है और अपना नाम रोशन किया है, उनका फेलिसिटेशन यहाँ पे उत्कर्ष NGO ने किया है। तो मैं उत्कर्ष को भी, डॉक्टर कविता परिहार मैम और उनकी जो भी पूरी टीम है, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उत्कर्ष बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से महिला दिवस के उपलक्ष्य में अन्यान्य क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का सत्कार किया गया। सचमुच बहुत ही अच्छा काम है, और यहाँ इस पूरे संस्था की सारी पदाधिकारी महिलाएं, उन सब के नाम मैं लेना चाहूँगी, और उन सभी लोगों ने जो मेहनत की है, सभी क्षेत्रों से महिलाओं को चुन चुन कर, उसमें ऑटो रिक्शा वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, जो समाज के लिए अलग अलग इसमें काम कर रही हैं, ऐसी महिलाएं, और इन सब महिलाओं को, जो बाकी महिलाएं हैं समाज के क्षेत्र में जो काम नहीं कर पा रही हैं, अपने घरों में बैठी हैं, उन सब के सामने एक उदाहरण के रूप में ये सब महिलाएं रखी जानी चाहिए कि किस तरीके से और कितने मुश्किल इसमें ये लोग काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाओं ने काम करना चाहिए, और आगे चलकर सभी लोगों को और इस संस्था को मैं मन से धन्यवाद देना चाहूँगी कि संस्था ने हमारा सत्कार किया और इन सब महिलाओं का सत्कार किया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। मैं उत्कर्ष बहुउद्देशीय संस्था की सभी पदाधिकारियों का मन से अभिनंदन और आभार करना चाहूँगी। धन्यवाद। इस दौरान समाज में विविध क्षेत्रों में कार्य उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज के सामने अपना आदर्श रखने वाली महिलाओं के कर्तृत्व को सलाम करते हुए उन्हें सम्मान चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी श्रृंखला में BCN न्यूज की संवाददाता क्षितिजा देशमुख को अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने पर सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। क्षितिजा ने कहा कि इस तरह का सम्मान महिलाओं को और अच्छा काम करने में प्रोत्साहन करता है। इस अवसर पर होलिका उत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत, फाग एवं सखियों को उपाधियों से भी विभूषित किया गया। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।